शनिवार को देवघर एसडीओ आईएएस दिनेश कुमार यादव ने मधुपुर एसडीओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान एसडीओ सह डीटीओ व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पंचायत समिति के आरओ शैलेंद्र कुमार रजक ने उन्हें पदभार सौंपा। मौके पर शैलेंद्र रजक ने बूकी देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने व अतिक्रमण की समस्या को दूर करने तथा मधुपुर की जमीन की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, अभी तो पंचायत इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन जो खत्म ही हुआ है, तो सबसे पहला काम तो अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन बाकी है, तो सबसे पहला टास्क वही रहेगा। उसके अलावा जो एसडीओ ऑफिस के जो बाकी काम रहते हैं उसमें कोशिश रहेगी कि सब कुछ अच्छे से हम कर पाए। उसमें जमीन के देखते हैं, काफ़ी विवाद देवघर में, चाहे वो देवघर अनुमंडल हो या मधुपुर हो, काफ़ी रहते हैं, तो कोशिश रहेगी कि रेवेन्यू मैटर्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति मधुपुर में कई बार उत्पन्न होती रहती है, तो उसमें भी हमारी कोशिश रहेगी कि सब कुछ ठीक से चलाएं और अधिकारियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, आम जनता में समन्वय स्थापित करें और सब कुछ स्मूथली रन कर पाए। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा, अतिक्रमण पे भी हमारी नज़र रहेगी। पहले थोड़ा स्टडी करना होगा क्या क्या है, कैसे कुछ है, उसके बाद में सिस्टमेटिक तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो भी पब्लिक लैंड है उसमें से इंक्रोचमेंट हटाया जाए और बाकी पब्लिक को भी अगर कोई परेशानी है जमीन से जुड़ी हुई तो उसको भी सुना जाएगा।